पाकिस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान, उनमें पैदाइश से लेकर, बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने तक मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी तबाहकुन रस्में जारी हैं जिन्होंने मुसलमानों की जड़ें खोखली कर दी हैं। और मुसलमान ऐसे भी हैं कि इन रस्मों की वजह से उनका दिवालिया हो गया है, सूद पे उन्होंने कर्जा लेकर भी इन रस्मों को अदा किया है। फिर मालक माल से वो गुर्बत की तरफ आ गई हैं, यानी इन रस्मों की वजह से वो फ़कीर बन बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन रस्मों से बचना भी चाहते हैं, वो बेजार भी हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नाक नहीं रहेगी, ख़ानदान में क्या जवाब देंगे, वो कहेंगे कि तो इसने अपने बच्चे की पैदाइश पे ये रस्म ही नहीं अदा की, शादी पे ये रस्में अदा नहीं की, मरने पे ये रस्में अदा नहीं की, तो ये जो है ना लालची हो गया है, ये फलाना है, ये फलाना है, तो मुझे तानो तशनी करेंगे। हालांकि दिल उसका बेजार होता है कि मैं ये ना करूँ, मजबूरन वो क्या करता है, वो कर्ज ले लेता है, नाक मेरी रह जाए, उस नाक को बचाने के लिए वो उधार ले लेगा और वो जो जहालत की रस्में हैं उसको पूरा करेगा। कोई ऐसा मर्द नहीं, वो कम ही है कि जो मैदान में आए और मैदान में आकर इनकी तानो तशनी का ख्याल न करे कि मुझे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे दोस्त क्या कहेंगे, मुझे फलां क्या कहेंगे। हाँ, वो ये जेन में लाए कि मुझे आमिना के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे, अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा, अल्लाह अज़्ज़वजल की शरीयत के सामने मैं इनकी क्यों परवाह करूँ, मैं इनके तानो तशनी बर्दाश्त कर लूँ, इनकी बातें बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन सुन्नत का तर्क ना करूँ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ूँ। ऐसे कम ही बंदे हैं कि जो इस पे कायम रहते हैं। और ये जो ऐसी बीमारी है कि जो मैंने अर्ज़ कर दी कि इसने घर के घर तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो रस्में हैं पैदाइश की, कितनी रस्में हैं उसको भी जिक्र करेंगे, उसके साथ फिर एक एक पे गुफ्तगू करेंगे कुरान पाक ने किस तरह इस रस्म को बुरा कहा है और इसकी मजम्मत की है। ऐसे करने वाले के मुतल्लिक कुरान पाक में क्या फरमाया है, शरीयत में क्या हुक्म है, ताकि लोग इन चीज़ों को देख कर कुरान हदीस की रोशनी में इसमें गौर करके अपनी जो खस्ता हाल है उसको दुरुस्त कर लें, अपनी जो तबाही है उसको बचा लें और अपने दिल को सुकून दे लें, घर भी आबाद हो जाएं, गरीब भी आबाद हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले करीब में बच्चों की पैदाइश में जो रस्में हैं उसकी जो ख़राबियाँ हैं वो बीमारी और उसका इलाज इंशाअल्लाह ताला बयान फरमाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाएँ।